देखो जो बंदे ने सूट लेना वे एमरजेंसी $20 का कोट जिम्मे कि लैना अपने वास्ते शीशा तो ड्रॉर समान समून रखने फुल है $28 का चीज चेक करो $28 एवरीबडी अज हैगी 6 अप्रैल 2023 मैं गर्मी लगनी शुरू हो गई है माड़ी माड़ी जैकट दे विच ते आज मैं जा रहा हूँ एक काम दिखाने भाई मैं आया सी ब्रैम्पटन पिछे अपन काम ही एक काम भुगता रहा हूँ मैं जाना अपना आई टेस्ट करा क्योंकि जो मेरे स्पैक्स है उन्होंने बड़े स्क्रैच पै चुके हैं मैं इंडिया तो मंगानियां वा नवी स्पैक्स तो उन्होंने आई टेस्ट करा वा तो इस टाइम बजे ने 4 से 6 बजे अपनी अपॉइंटमेंट आ जेडे प्लाजे में मैं आया ही फिफ्थ स्टोर होंगे वो जितने मतलब सैकेंड हैंड समान मिलता सस्ता तो मैं कभी गया नहीं ही फिफ्थ स्टोर तो मैं क्या चलो मैं भी जाना तो तुम भी दिखा वा तो हम फिफ्थ स्टोर चलते हैं तुम दिखाते की मिलता उतो ब्रैम्पटन के सेलिब्रेशन आर्मी फिफ्थ स्टोर ये बई रदरफोर्ड वाले प्लाजे के प्लाजा है आप बिल्कुल फोर्ड सर्विस सेंटर है सामने आए द सेलिब्रेशन आर्मी फिफ्थ स्टोर हूँ चलते हैं अंदर देखने की मिलता इतों एक मैं बहुत खुशी वाली गल महसूस हो रही कि गर्मी आ रही है ब्रैम्पटन के वापस तो अच्छा ठंड बिल्कुल नहीं लग रही भी ईवन कि मैं जैकट लाने का भी जी करता जो मैं अंदर जाता वा उदो तो गर्मी लगलापन की पूरी ये मैं पाई हुई है विंटर जैकट बट वो मौसम जा चुका हम चलते अंदर ये है बई द सेलिब्रेशन आर्मी फिफ्थ स्टोर तो बाहर ही तुम साइकिल मिल जाएंगे बच्चे से सैकेंड हैंड वो $25 का $65 का एंड ऑल लैंप वगैरह लाइटा हूँ भी अंदर आ गए आंदे हम जीना लभ गई $10 जीन्स आई थिंक गर्ल्स दी कच कुछ दिया भी पे तो भाई अंदर आ चुके हैं कप भांडे सब कुछ पिया वा लैंप वगैरह जिन्ना घर सजाना कप पे ने मैं वे दे कि $3 का है एक कप पेंटिंग्स पे पेंटिंग्स डेकोरेशन का समान लग रहा मैंने थोड़ा बहुत कप भांडे वास मिरर पिया है ये मिरर वधिया पिया है पग पुग बनाने वास्ते किन्ने दा है $10 का वधिया $10 का गोल्फ स्टिक्स भी पईयां भांडे ज़्यादा पे ने डोल्स देखो ये देखो $10 की होर डोल लग रही मैनू तो बुक्स भी मिल जांदियां देखो पर ज़्यादा इतने मैं लगते पे कपड़े है जिस अपना सूट भी है इतों देखो जो बंदे ने सूट लेना वे एमरजेंसी $20 का कोट $20 का मिलन दिया बी बुक्स बहुत ज़्यादा ने पेंटिंग्स शर्ट्स स्वैटर पजामे भी है ने $6-6 के पजामे ने देखो $10 का तुहानू इत्थे एमरजेंसी लई तुहाडा बैग टुट जे इत्थे आओ बैग चको एक वारी वरतो दो वारी वरतो भावें छोटे तो भावें वरतदे रोज बच्चे निकले ये हैगा वा बैग $35 का मैनू तो इत्थे कपड़े ही देखदे पए ने ते एक इत्थे फिफ्थ स्टोर होर हैगा उत्थे भी चलांगा मैं बाद च फिलहाल तुसीं आ वेखो रोलर स्केट्स भी मिलदे ने इत्थे कपड़े 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 कुड़ियाँ तो ज़्यादा कपड़े आ शॉपिंग भी कुड़ियाँ ज़्यादा कर दी देखो डेकोरेशन का समान भी है हाँ देखो सॉफ्ट भी ने $25 का ये वधिया गा है सो भी बाहर आ गया मैं
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ੍ਰਿਫਟ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਲਗਾ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਅਨਕ ਆ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨੋਅ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਵਾਈਟ। ਗੋਗਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਡੇ ਨਾਈਟ ਗੋਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ। ਇੱਧਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ੍ਰਿਫਟ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨ ਰਾਜਨ ਥ੍ਰਿਫਟ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਓਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਇੱਧਰ ਓਪਨ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਨ April 7, ਯੂ ਕੈਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸੋਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਸੇਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਰੇ, ਨਾਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। $1 ਦੀ ਟਾਈਆਂ, $1 ਟਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਬੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਮ, ਵਿੰਟੇਜ ਰੂਮ, ਟ੍ਰਿੰਕਟ, ਸਪੋਰਟਸ, ਸਮਰ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਮ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਪ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਮੇਕਰ ਆ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਰਾਈਂਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ਵਾਰਮਿੰਗ ਟ੍ਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਰਾਈਸ ਕੁੱਕਰ ਆ ਆਲ ਇਨ ਵਨ, ਔਰ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਊਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ $150 ਦਾ ਡੱਬਾ, ਆਹ ਟੀਕ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $150। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿੰਕਟ ਰੂਮ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬੜਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰੋਅਰ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਲਡ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੋਲਡ ਹੋਇਆ, $28 ਦਾ, ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ $28 ਚ। ਵਾਓ ਮੈਨ, ਪੱਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਵੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ, $20 ਦਾ ਪੱਖਾ, ਨੋਟ ਅ ਬੈਡ ਡੀਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਲਡ ਆ। ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਐਂਡ ਆਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਆ ਵੀ ਸੋਲਡ ਆ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਮੀਰਰ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ $63 ਦਾ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਗਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ $63 ਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਵਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਵੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ $60 ਬ੍ਰੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਘੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਬਿਨੇਟ ਆ ਪੂਰਾ, $60  'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ $40-50 ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੌਕ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਕਰਦੀ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਊਚ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ 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 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਇਹ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀਜ਼ਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ
वेखो चक्की चमक वेखो पेंटिंग एक इतने डॉलर वन रूम गा तो हर चीज़ एक डॉलर की रख देंगे मतलब जो भी इतने पे एक डॉलर का गा आ सारा समान ये कपड़े कैप्स ये कैप वधिया एक डॉलर की एक एक डॉलर का समान इतने भी भांडे पे ने कच के ते इन्होंने पूछा मैं जेडे फ्रंट डेस्क गई थी इंपलॉई मैंने कहती इलैक्ट्रॉनिक रूम बनाया वा जो जो इलैक्ट्रॉनिक समान उत्थे अवेलेबल आ बस उही साडे कोल इलैक्ट्रॉनिक अदरवाइज साडे कोल नहीं आ डैड मीन्स इन्हां कोल हैडफोन्स भी नहीं आ एंड जिवें चार्जर हुंदे आ केबल्स हुंदियां वा ओह दूजे फिफ्थ फ्लोर ते मिल जांदियां वा जो कि मैं सुनिया वा पर इत्थे नहीं इत्थे आही चीज़ां ने सो हुण आपां चलते बाहर क्योंकि मैं जाना अपनी अपॉइंटमेंट हैगी मेरी आई टेस्ट की तो भाई ये थिफ्ट स्टोरस इतने तू सस्ता समान मिलता काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता तुम बस सर्च करो अपने घर लागे गूगल पर थिफ्ट स्टोर नियर मी उदों तो जाके देख सकते जी कोई भी थिफ्ट स्टोर चल जाओ समान इदा ही हों वा हर जगह से अलग अलग चीज़ा पी वा डिपेंड करता कि स्टोर से की मिलता क्योंकि इन्हें समान चेंज हों रहा तो हूँ चलते हैं आई टेस्ट करा तो आई टेस्ट अपना बड़ा औखा होया तो जे मेरी अपॉइंटमेंट लंघ गई तो मिलनी नहीं कोई कल गई छुट्टी तो मैं इतने देखो मैडिकल फैसिलिटी का की हाल है पहला मैं पांच फोन करने पे मैंने वक्त वक्त लोकेशन तो फिर जाके मैं एक अपॉइंटमेंट मिली अज की कई जने मैं कहता भाई एक महीने बाद आओ कोई कहते दो हफ्ते बाद आओ कोई कहते अगले हफ्ते आओ तो आ वाले जे मैं मिले अपॉइंटमेंट ये मैं कहते अज तीन आखते जे कि मेरी आई टेस्ट कराना बहुत जरूरी ही क्योंकि मैं इंडिया तो मंगाई वा एंड का जो मेरा नंबर वजह कटिया होगा वो पता चल जाएगा बस फट के जाना पैना तो बाहर अपने भी फाइनली बस आ गई है काफ़ी देर बाद हम चलते हैं अंदर तो भाई हम दूजी बस फड़ा एक बस फड़ ली है तो फोन मेरा बंद होने लगा मैं वीडियो बना रही बंद होने पहला नहीं तो घर जाके मिलेंगे जो वीडियो बंद होगी तो जो उत्थे के चार्ज कर पाया तो चार्ज करांगे तो ये कनेडा का इलाका वेख के पंजाब वाली फीलिंग आउंदी पूरी अपना डॉक्टर वो प्लाजे च सॉरी गाइस आ पिछे मैं एग्जाम करवाया अपना तो मेरा फोन बंद हो गया ही अनफॉर्चुनेटली तो मैं रिकॉर्ड वगैरह अंदर कुछ बना नहीं पाया तो इतों के एग्जाम से इंडिया के हाई एग्जाम से काफ़ी फर्क सी ये जोड़ा क्लीनिक से इतने पूरा प्रोपर एक डॉक्टर बैठा है ही उन्हें मेरे एग्जाम किया तो चंगी तरह किया मतलब इंडिया में जो नॉर्मल तरीके करते हैं इतने मेरे तो दो तीन बारी वक्री वक्री मशीन के नाल टेस्ट किया मेरी अखा का प्रेशर चेक किया लाइटा मारियाँ तो मतलब एक प्रोपर प्रोफेसनल तरीका ही पता लगता पाया ही तो अपना एग्जाम होया $80 का जो कि अप्रोक्सीमेटली लाइक मान लो कि चलो बन जाते हैं 4500 बन जाता कि 5000 बनता इन्ना बन 4500 ला लो इंडिया में 100-200 हो जाता बट मेरी गार्डमी इंश्योरेंस हैगी है स्टूडेंट इंश्योरेंस होंगी इतने गार्डमी की जी मैं रिसिप्ट मिली ने पूरी प्रोपर बिलिंग बिलिंग वगैरह जो रिसिप्ट मैं मिली है तो वह मैं अपलोड कराँगा गार्डमी की वैबसाइट पर तो मेरा जो $80 चार्ज किए वो मेरे वापस आ जाएंगे सारे तो वो मेरे इंश्योरेंस कवर आई एग्जाम तो जोड़े इतों फ्रेम जो स्टार्ट होते ही फ्रेम मिनीम फ्रेम कला $70 का ही जे स्टार्टिंग जे भी आप लेंस पवेंगे तो 350-400 के बीच रेट बनता पाया ही आप हिसाब ला लो इंडिया का कि बन गया अप्रोक्सीमेटली 30-40 हज़ार तो बन ही जाता 30-35 हज़ार रुपया एक कैनक इंडिया कि आनियाँ इसलिए आप हम इंडिया भेजा अपना प्रिस्क्रिप्शन मंगावे अपनी एनक नवी हम चलते भाई खाण पीन चल भुख लगी मैं तो भाई इतों मैं करा ही आई एग्जाम पूर्वा विजन तो ये मेरे घर से काफ़ी नेड़े है सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर आ मेरा घर इतों इन्होंने मैं दो चीज़ा वजिया लगियाँ एक तो इन्होंने मैं अपॉइंटमेंट अज की अज दी मच कॉल की अज ही मिल गई
ਉਪਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ $90 $95 ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ $150 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੀਲਸ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਸਟੀਲਸ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ few moments later so we apna claim submit ho gaya main eh dono receipts utri receipt aur receipt te apne eye test di report upload kiti inde site te hun na mainu kande pe ya dekho kande pe ya ki 7 to leke 10 business day de vich tade paise wapas aa jange par aa kai vari jaldi jande hunde ya te hun dekho hope for the best hun thoda rest karda te fir main jana kuch khan peen nu lai aan apne waste One hour later. बकेट लभी नहीं तो हाथ चुड़ के लेके जा चलते बाहर यही अपनी अज की वीडियो मैं बड़ी एमरजेंसी बंद कर लगा क्योंकि मैं एक प्रेजेंटेशन बना के अपलोड करनी है तो अद्धा घंटा रह गया सिर्फ तो रात 11 आ चुके हैं इसलिए जो वीडियो वजिए लगी तो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल में और जो गुड बाय टेक केयर।